ये वाली ट्वीट तो अपनी है या ये भी किसी और से लिखवा रही है? आपकी ट्वीट्स कौन लिखता है? ये और इस जैसे बहुत से सवालात दरअसल इल्ज़ाम या तंज नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक के उस एतराफ़ पर उनसे किए जा रहे हैं जिसमें उनका कहना था कि ट्वीट्स में सोच तो मेरी होती है लेकिन अल्फाज किसी और के होते हैं। ARY न्यूज़ की एक प्रोग्राम में वसीम बादामी के ट्वीट से मुतालिक सवालात के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वीना मलिक तनकीद की जद में हैं। वसीम बादामी ने उनकी ट्वीट से कुछ अल्फाज उनके सामने दोहराए तो वीना मलिक ने कहा कि हर इंसान का अपना नुक्ता नजर होता है, जो अल्फाज हैं वो अभी भी बहुत नरम हैं। इस पर मेजबान ने उनसे पूछा कि ये जो आप लिखती हैं ट्विटर पर ये आपकी सोच होती है? इस पर वीना मलिक ने कहा कि हाँ, ये सोच मेरी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि अल्फाज भी मेरे हों। मेजबान ने इस पर थोड़ी हैरानी जाहिर की और पूछा कि तो ये अल्फाज लिखता कौन है? इस पर वीना मलिक ने कहा कि अंदाज़ा लगाते रहें। फिर वो कहने लगे कि मुझे उर्दू इतने अच्छे से लिखने नहीं आती। जिस पर वसीम बादामी ने पूछा कि ट्वीट आप नहीं कर रही अक्सर, तो वीना मलिक इसरार करने लगी कि ट्वीट मैं ही कर रही हूँ। वसीम बादामी ने इस पर पूछा कि अल्फाज कभी आपके हैं कभी नहीं, तो वीना मलिक ने इस बात में जवाब दिया। फिर मौजू तब्दील करते हुए वसीम बादामी ने एक दूसरी ट्वीट के बारे में कहा कि आपने कहा कि अजमत सईद शेख को हुदैबिया की इंक्वायरी करनी चाहिए, मगर जब मेज़बान ने उस ट्वीट के बारे में पूछा कि हुदैबिया क्या है और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अजमत सईद शेख कौन है, तो बज़ाहिर उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि ये ट्वीट उन्होंने कब की। वो ये भी पूछती रही कि कौन सा वाला ट्वीट है। फिर उन्होंने जज अजमत सईद शेख और ब्रॉडशीट मुकदमे के बारे में पूछा तो वीना ने कहा कि एक न्यूज़ आई थी अजमत सईद शेख के बारे में। मेज़बान ने पूछा कि क्या न्यूज़ आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो टाइटल आपने बताया है यही न्यूज़ आई। इस मामले पर सोशल मीडिया सार्फीन की जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। उमर अफ्ताब ने लिखा कि इस अकाउंट से मुल्क दुश्मनी के फतवे जारी होते हैं, सियासतदानों को गालियाँ दी जाती हैं, जजों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने वालों को धमकियां दी जाती है, ये है हमारी खुदकुश फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। अरसलान हसन खान ने तंजी अंदाज इख्तियार करते हुए इशारतन कहा, वसीम बादामी ने भी कमाल करते हुए बार बार ये साबित किया कि अकाउंट वही चलाता है जिसके चर्चे हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि जब भी वसीम बादामी उनकी किसी ट्वीट का हवाला देते तो वीना मलिक कहती कि ये मैंने कब लिखी। सफदर लगारी ने लिखा कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके ट्विटर अकाउंट्स को एक मखसूस बयानिया फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वीना मलिक ऐसे कई लोगों में से सिर्फ एक हैं। इसी तरह इर्जा खान ने लिखा कि उन्होंने वीना मलिक को उनकी ट्वीट्स के सबब ब्लॉक कर दिया था और अब उन्हें अफसोस हो रहा है क्योंकि इस बेचारे को तो खुद नहीं पता कि अकाउंट से क्या क्या ट्वीट होता रहा है। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा धोखा है। एंकर पर्सन अलीना फारूक शेख ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, मैं अकाउंट हूँ किसी और का, मुझे चला रहा कोई और है। उनका इशारा सलीम कौसर की एक गजल की जानिब था जिसका मतलब था कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। इसी पर नूर फातिमा चीमा ने मोहम्मद रफ़ी के गाने का हवाला देते हुए कहा कि नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। एक और सारिफ अम्मारा ने लिखा कि कंपनियों में HR मैनेजर्स भी वीना मलिक की तरह होते हैं, बेचारे खामखा गालियां सुनते हैं।